जिहड़ा आर्मी ने एक बहुत माड़ा काम किया है, जिहड़ी भर्ती दे दौरान ये साढ़े ककार उतारे गए ने, यह देश दे संविधान दी कॉन्स्टिट्यूशन दी बहुत वड्डी उलंघना है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन उत्ते हमला है, साढ़े राइट्स उत्ते हमला है, साढ़े रिलीजियस बिलीफ उत्ते हमला है, तो साढ़े जो साढ़े संविधान ने सानू ताकत बख्शी आ सी असी अपने गुरु साहब दे ताकत बख्शे ककार अपने नाल रख सकते हैं, उन्हां दी इह सख्त विरोध आ उहदा। असी इस करके इहदी भी रिट तैयार कर ली आ। असी पहला भी जदों एग्जाम होंदे सी उच्च भी दिक्कतां आईयां, मैं खुद भी जाके उस वेले भी कमिशन दे बाहर जाके बहुत वड्डा असी रोस प्रदर्शन कीता सी और कमिशन नूं मजबूर कीता सीगा कि जदों भी बोर्ड स्टेट सिलेक्शन बोर्ड कोई एग्जाम लवे वो साढ़े बच्चों के ककार नहीं उतार सकते। असी हाईकोर्ट तो भी ऑर्डर लेके आए सी और हुण जो होया असी अपनी संगत नूं यकीन दवाने आ, देश दे सरकार दे कोल असी मुद्दा रेस किया है, पर असी खाली मुद्दे रेस करन तक नहीं लैके गए, हमेशा उन्हां नूं सिरे चढ़ाया। आर्मी दे अंदर दोबारा ये ना होवे, साढ़े ककारा की बेदबी ना होवे, इहदे वास्ते भावें सानूं कोर्ट जाना पवे, भावें सुप्रीम कोर्ट तो भावें हाईकोर्ट तो ऑर्डर लियाउणा पवे, पर असी अपनी संगत नूं विश्वास दिवाउने आ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ये बजर पाप नहीं होण दऊगी, किसी सूरत अंदर नहीं होण देंगे और डट के खिलाफ़ लड़ाई लड़ांगे और जिहड़ा भी ऐसी कार्रवाई करेगा उहदे खिलाफ़ असी कार्रवाई करांगे। सो मैं तुहानूं यह विश्वास दिवाउणा कि जल्दी कल असी अज ही रिट तैयार कर रहे हैं, कल तक असी नूं कोशिश करांगे हाईकोर्ट च रिट फाइल करके ते हाईकोर्ट तो मंग करिए कि यह जो इन्हां लोगों ने किया है ये गलत है, गैर कानूनी है, इस दे उत्ते रोक लगाई जाए। सो मैं बहुत धन्यवाद करता जिहड़ा साडा हमेशा सहयोग दिंदे ने और मैं अपने वीरां नूं विश्वास दिवाउणा है दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हमेशा अपनी कौम के पिछे लड़ाई लड़ती रही और लड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।